दोस्तों, जब हम हमारे जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते रहते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कुछ लोग हमसे जलने लगे हैं, हमसे द्वेष करने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब ये हमारा कोई करीबी दोस्त या अपना कोई करीबी रिश्तेदार हो, और इसी कारण हमें तकलीफ़ होती है। और फिर ऐसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें, ये समझ में नहीं आता। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बातें बताने वाला हूँ जो आपको ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने में मदद करेगी और आपको परेशानियों से दूर करेगी। लेकिन उसके पहले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जलने का पहला कारण है कमतरता। जब सामने वाले इंसान को आप में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे चाहिए लेकिन वो उसमें हासिल नहीं कर पाता, तब उस इंसान के मन में हमारे बारे में द्वेष निर्माण होता है, वह इंसान हमसे जलने लगता है। एग्जाम्पल, 2 दोस्त थे, दोनों ही व्यापार करते थे, लेकिन उन दोनों में से एक का व्यापार बहुत जोरों से चलने लगा, वो बहुत पैसे कमाने लगा। फिर उसने गाड़ी ली, बंगला लिया, और दूसरे दोस्त का व्यवसाय बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। और अब पहले दोस्त की तरक्की देख खुश होने की जगह दूसरा दोस्त उस पर जलने लगा, वो पहले दोस्त पे गुस्सा करने लगा। कारण क्या? उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसी वजह से उसका व्यापार नहीं चल रहा था। यहाँ आप देख सकते हो, जलने की भावना पैदा होने का मुख्य कारण है कमतरता। आपको अगर ऐसा अनुभव आए कि लोग आपसे जलने लगे, तब आपको खुश होना चाहिए। कारण इसका मतलब है कि आप आपके जीवन में तरक्की कर रहे हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे। नंबर 2, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो जलने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सामने वाले का बर्ताव हद पार कर जाता है, हमारा सब्र खत्म होने लगता है। तब आप कितना भी अनदेखा करने की कोशिश करें या उस विषय को ध्यान ना देने की कोशिश करें, तब भी आगे वाला इंसान आपको परेशान करना बंद नहीं करता। इस वक्त सबसे सरल उपाय है जवाब देना। एक बात मैं यही साफ कर देता हूँ कि अगर आप गुस्से में हो तो आप जवाब मत दो, वरना आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। जब आप पूरी तरह से शांत हो, तब सामने वाले को अच्छे से समझा दो कि तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे पसंद नहीं, मुझे इससे परेशानी होती है। एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में कोई आपका सहकर्मी बॉस के सामने हमेशा आपकी गलतियां निकालता रहे, तो उस सहकर्मी को अकेले में समझाओ कि आप जो हमेशा बॉस के सामने मेरी गलतियां निकालते रहते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा संबंध बिगड़ जाएगा, और वो मुझे बिगाड़ना नहीं। दोस्तों, जब हम सामने वाले इंसान को समझाते हैं, इस तरीके से बात करते हैं कि हमें परेशानी होती है उसकी वजह से, तो एक तरह से हम हमारा खुद का आदर बढ़ाते हैं, उसकी भी नज़र में और अपनी खुद की भी नज़र में। नंबर 3, खुद की कुछ हदें बना लो। दोस्तों, आप आपके जीवन में कुछ सीमा आंक ले, किसके कितने करीब जाना है, किसको बातें शेयर करनी है, किसके साथ कितनी बातें करनी है, किसको कितना बोलने देना है और किससे कितना बोलना है। इन सब के कुछ खुद के लिए लिमिट सेट करके रखो। आखिर ये आपका जीवन है, कोई भी आए और आपको कुछ बोल के जाए, ऐसी स्थिति मत होने देना। इसीलिए हमेशा खुद की ऊंचाई बढ़ाते रहना। वो कैसे बढ़ाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर। मैं आपको घमंडी होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको आपका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे रखोगे, तब वो आगे वाला इंसान आपकी इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा। मन ही मन जलने लगेगा वो अलग बात है, पर वो आपको परेशान नहीं करेगा। नंबर 4, सामने वाला आपकी बुराई करे तो आप उनसे उनका कारण पूछें और उनका सॉल्यूशन भी पूछें। अगर कोई आपकी बुराई करे तो आप उन पे बिना गुस्सा किए पूरे संयम से उनसे ये पूछें कि मेरी किन बातों से या किन वजह से उसको ऐसे लगा, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है। अगर सामने वाले ने आपको आपकी बुराई करने का कारण बताया तो आप उनसे इसका सॉल्यूशन भी पूछें।
कि मैं इन बुराई का किस तरह से सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। उसके सोल्यूशन से आपको पता चलेगा कि उसकी इंटेंशन क्या है, और वह आपको उनके सोल्यूशन से ये भी पता चलेगा कि आपको उन पर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक अच्छी बात भी होगी कि उन लोगों को पता चलेगा कि आप आगे बढ़ने की सोच रखते हो, किसी को नीचा दिखाने की सोच तो नहीं रखते। नंबर 5, आपके स्नेही और अच्छे रिश्ते पर फोकस करें और जलने वाले लोगों की बातें मन पे ना ले। दोस्तों, इस दुनिया में आप सबको खुश नहीं रख पाते, इसीलिए आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो आपका द्वेष करेंगे, आपका गुस्सा करेंगे। इसीलिए हमेशा इन लोगों के बारे में सोचने से अच्छा है आप अपने स्नेही पे फोकस करें। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो साफ मन के होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। ऐसे लोगों पे आपका वक्त और एनर्जी खर्च करें। हमें एक आदत होती है कि 10 में से अगर 9 लोगों ने हमारी तारीफ की, पर हमारा ध्यान उन 9 लोगों पे नहीं रहता, हमारा ध्यान उस एक ने मेरी तरफ क्यों नहीं की यहाँ रहेगा, और इसके बारे में सोच के हम खुद को तकलीफ देते रहेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका फोकस अपने अच्छे और सच्चे रिश्ते पर दे। दोस्तों, जिस समय आपको अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा, सामने वाला आपसे जलेगा, तब ये याद रखना प्रॉब्लम उसमें है, आप में नहीं है। सामने वाले इंसान में कुछ कमी है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, और इसीलिए ऐसी बातें दिल पे न ले। मुझे पता है ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है, पर रियलिटी तो यही है दोस्तों। और आखिरी में इस वीडियो का महत्वपूर्ण संदेश, ऐसे लोगों की वजह से खुद में कुछ बदलाव मत करना और खुद को दोष भी मत देना। चलिए दोस्तों, तो फिर से एक बार हम वो 5 बातें देखेंगे। नंबर 1, जलने का पहला कारण है कमतरता। नंबर 2, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो जलने वाले को इसका मुंह तोड़ जवाब दो। नंबर 3, खुद की कुछ हदें बना लो। नंबर 4, सामने वाला आपकी बुराई करे तो आप उनसे उसका कारण पूछें और उसका सोल्यूशन भी पूछें। नंबर 5, आपके स्नेही और रिश्ते पर फोकस करें और जलने वाले लोगों की बातें दिल पे ना ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।